Namaste friends and welcome to my channel Art by Ayushi and today we are gonna draw some realistic cherries. आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ step by step procedure of how to draw realistic cherries. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक and for better experience you can draw with me. मैंने ए फोर साइज शीट पर आउटलाइंस पहले की ड्रॉ कर लिया विद 2H पेंसिल एंड नाउ आई एम डार्कनिंग द आउटलाइंस विद 2B पेंसिल. अब हम सेम 2H पेंसिल के साथ इसके बैकग्राउंड को हल्के हल्के से शेड कर देंगे और फिर टिश्यू पेपर की मदद से इसको ब्लेंड कर देंगे. अब हम सेम 2B पेंसिल के साथ चेरीज की बेस लेयर शेड कर लेंगे और फिर इसको वापस से ब्लेंड कर देंगे विद टिश्यू पेपर. लेकिन शेडिंग करते हुए आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप जब भी पेंसिल पकड़ेंगे तो उससे कोशिश कीजिए कि 3-4 इंचेस पीछे से पकड़ें. उससे ये होगा कि आप जो भी शेड करेंगे वो एकदम स्मूथ शेडिंग होगी, उसमें किसी भी टाइप की इररेगुलरिटीज नहीं होंगी. जो टेक्सचर वगैरह है वो हम फर्दर उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. बेस लेयर हमारी हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, उससे हमारे स्केच में और भी ज्यादा रियलिज्म आने वाला है. अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं विद फर्दर 4B पेंसिल एंड देन 6B एज वेल. अगर हम रेफरेंस इमेज में देखें तो इस चेरी के सेंटर में एक हाईलाइट है, उस हाईलाइट को हमें बचा के चलना है. जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपना पेपर या ब्रश या जिस भी चीज के साथ आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं विद अ पेपर स्टंप में भी, तो आप उसे उस हाईलाइट के ऊपर मत चला दें क्योंकि उससे वो हमारा हाईलाइट स्मज हो जाएगा और बाद में उसे उतना रियलिस्टिकली हाईलाइट कर पाना पॉसिबल नहीं है. अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम फर्दर मूव करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरफ और सबसे पहले हम 6B पेंसिल का यूज करके वाटर ड्रॉपलेट्स को थोड़ा डार्क कर लेंगे. आप एकदम धीरे धीरे पेशेंस के साथ ध्यान के साथ शेड करते जाएंगे. आपकी चेरी का जो लोअर पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाला है एज कम्पेयर टू द टॉप एरिया. तो हम धीरे धीरे इसको लेयर बाय लेयर ग्रेजुअली शेड करते जाएंगे और आपको बस पेशेंस रखनी है. इस पोर्शन में काफी रफ सा टेक्सचर है, बहुत डार्क अगर आप रेफरेंस इमेज देख रहे हो तो. सो हमें बस वैसा ही बनाना है, वी आर जस्ट गोना कॉपी इट. आप जितनी चाहे उतनी लेयर शेड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. आप जितनी ज्यादा लेयर्स ऐड करेंगे आपके स्केच में उतना ही ज्यादा रियलिज्म आएगा और आप उतने ही ज्यादा इंप्रेस होंगे अपने काम से. अब हम 4B पेंसिल का यूज करके इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स की कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेंगे, कुछ एकदम छोटी कुछ बड़ी, कुछ इस साइड कुछ उस साइड, लाइक एकदम रैंडमली. इस चेरी के मेन फोकस एरिया में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी तो उन्हें हमें एकदम ध्यान से सेम टू सेम ड्रॉ करना है. बाकी जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं साइड साइड पर वो हम रैंडमली भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. और हम सेम 4B पेंसिल का यूज करके इस चेरी के डार्क पोर्शंस में कुछ छोटे छोटे टेक्सचर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं. अब हम मोनोटॉम्बो जीरो इरेजर का यूज करके जो हमने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए थे उसके बीच में हाईलाइट कर देंगे. और क्योंकि इस चेरी का अपर पोर्शन बहुत ही ज्यादा ब्राइट है तो वहां पर हमें शेड नहीं सिर्फ इरेज करने की जरूरत है.
और इसके स्टॉक पोर्शन के लिए सबसे पहले मैं 2B पेंसिल के साथ बेस लेयर ड्रॉ कर लूंगी, फिर उसको हल्के से ब्लेंड करके नीचे नीचे वाले पोर्शन में 4B के साथ थोड़ा सा डार्क शेड दे दूंगी और फिर मोनोटोम्बो 0 इरेजर के साथ वहां पर भी हाईलाइट कर देंगे। अब ये चेरी का अपर पोर्शन मुझे कुछ ज्यादा ही ऊपर लग रहा है, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लूंगी और जो पहले की बनाई हुई आउटलाइन थी उसे मैं बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, हमने बहुत ज़्यादा शेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दिए, बहुत सारे हाइलाइट्स भी कर दिए एंड आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। तो अब हम चलते हैं दूसरी वाली चेरी के ऊपर। अब क्योंकि हमारी ये वाली चेरी काफी ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, तो इसीलिए मैं इसकी बेस लेयर डायरेक्टली 4B पेंसिल से ड्रॉ करूंगी और फिर मैं इसको टिश्यू पेपर के साथ ब्लेंड करके इसकी सेकेंड लेयर भी दोबारा 4B पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करूंगी। और अब हम यूज करेंगे 6B पेंसिल फॉर ड्रॉइंग इट्स थर्ड लेयर। Now we'll repeat the same process with 8B pencil as well. पहले हम 8B के साथ शेड करके ब्लेंड करेंगे और उसके ऊपर हम फिर से 8B पेंसिल का यूज करेंगे बिकॉज ये वाली चेरी हमारी बहुत ही ज्यादा डार्क है। और इसके स्टॉक के साथ वाला एरिया और भी ज्यादा डार्क है, तो इसको हम 8B के साथ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। और अब हम नीडेबल इरेजर का यूज करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे एंड विल कंटिन्यू एडिंग मोर डिटेल्स। अब 8B पेंसिल का यूज करके इसके ऊपर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हम उन सबको थोड़ी थोड़ी शेप दे देंगे।
जो भी मटेरियल्स इस वीडियो में यूज कर रही हूँ उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। और अब नीडेबल इरेजर का यूज करके हम यहाँ पर एक छोटा सा हाईलाइट बना लेंगे। फिर हम मोनोटॉम्बो जीरो इरेजर का यूज करके इस पूरे पोर्शन को वाइट कर लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब ये वाली वाटर ड्रॉपलेट्स के हाइलाइट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको किस तरह से बनाना है आप प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। इसे आप एकदम धीरे धीरे एकदम कामली विद पेशेंस बनाएंगे। अब क्योंकि इस हाईलाइट की बाउंड्रीज हमें शार्प नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही हैं, तो उसे मैं पेपर स्टम्प के साथ ब्लेंड कर दूंगी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम 6B पेंसिल का यूज करके वाटर ड्रॉपलेट्स को थोड़ा थोड़ा शेड कर लेंगे, फिर ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ उसे ब्लेंड भी कर देंगे, फिर मोनोटॉम्बो जीरो इरेजर के साथ उसके ऊपर हाइलाइट्स बना देंगे। हाइलाइट बस उसके सेंटर में रहेगा जैसे मैंने बनाया है, इससे इसमें काफी ज्यादा रियलिज्म आएगा। अब मैं सकुरा के जेली रोल पेन्स का इस्तेमाल करके इसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट्स बना लूंगी। और फिर 6B पेंसिल का यूज करके हम उनमें से कुछ डॉट्स को वापस से शेड कर देंगे। ब्रश के साथ धीरे से ब्लेंड कर देंगे। हमारे चेरीज ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी किसी चीज की भी कोई भी कमी लगती है तो आप वहां पर वो अभी भी ऐड कर सकते हैं। हम 6B पेंसिल का यूज करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेक्सचर ऐड कर देंगे। इस हाईलाइट ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। अब जहां जहां पर मुझे जरूरत लग रही है मैं कुछ हाईलाइट्स भी ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर शेड थोड़ा डार्क कर रही हूँ। Thank you.
अब मैं इस पोर्शन को मोनो जीरो इरेजर के साथ इरेज कर रही हूँ अच्छी तरह से, और फिर जो इसकी आउटलाइन है इसे हम बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देंगे। इससे ये लगेगा कि ये चेरी सेम बैकग्राउंड के ऊपर है, किसी ने अलग से नहीं लगा रखी। आई होप यू कैन नोटिस दिस। अब ये छोटी छोटी डिटेल्स आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब आप अपने स्केच को रेफरेंस इमेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कहां कहां पर क्या क्या कमी रह गई है। इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली सेम, बट आई होप यू एंजॉयड द प्रोसेस। इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज़ इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।